प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि आप सब ग्रीष्म अवकाश का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, परंतु जैसा कि हम सबको पता है, ग्रीष्म अवकाश से पहले ग्रीष्म अवकाश ग्रह कार्य मिलता है। तो मैं आज आपको ये ग्रह कार्य कैसे करना है तथा उसमें आने वाले प्रश्नों को आप सबको स्पष्ट करूँगी। तो हमारे हिंदी के ग्रीष्म अवकाश ग्रह कार्य में पहला प्रश्न है, समाचार पत्र से प्रतिदिन एक पेज सुलेख लिखें तथा उसमें आए हुए नए शब्दों को रेखांकित करते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। प्यारे बच्चों, आप सबके घर में हिंदी का समाचार पत्र आता होगा। आप उसे उठाएंगे तथा एक पतली कॉपी में एक पेज सुलेख लिखेंगे। उस सुलेख में जो भी नए शब्द आपको दिखेंगे, आप उन्हें रेखांकित करेंगे तथा वाक्यों में प्रयोग करेंगे। दूसरा प्रश्न है, अब तक कराए गए कार्य को दोहराएं तथा याद करें। हमने जितने भी पाठ पढ़े हैं, उन सब को हम दोहराएंगे और याद करेंगे। वो पाठ खुलते पंख पुस्तक के भी हो सकते हैं और व्याकरण पुस्तक दीपिका के भी होंगे। प्रश्न 3, कोरोना वैश्विक महामारी के बारे में आप क्या जानते हैं, यह कैसे फैलती है तथा उसके बचाव के 5 उपाय लिखेंगे। यह कार्य भी आप अपनी पतली कॉपी में करेंगे। चौथा प्रश्न है, अकबर और बीरबल के किस्से इंटरनेट से ढूंढो और पढ़ो तथा उनसे मिलने वाली शिक्षाएं लिखो। आप सब अकबर और बीरबल के किस्सों के बारे में सुन चुके होंगे। आप नए किस्से ढूंढेंगे इंटरनेट की सहायता से तथा उन किस्सों को पढ़ेंगे और जो भी नई शिक्षाएं आपको प्राप्त होंगी, आप उन्हें लिखेंगे। प्रश्न 5 है, 2 चुटकुले लिखो तथा उनसे संबंधित चित्र बनाओ। कोई भी चुटकुला जो आपको समाचार पत्रों द्वारा प्राप्त हुआ हो या फिर किसी पुस्तक द्वारा, आप उन्हें उठाएंगे तथा उनसे संबंधित चित्र बनाएंगे। चित्र बहुत छोटे छोटे स्पष्ट तथा उनको आप रंग भी करेंगे। सभी कार्य आपको एक पतली कॉपी में करना होगा। धन्यवाद।